आज से मैं जो अपना टॉपिक शुरू कर रही हूँ इस वीडियो से, इसको लगातार आगे तक देखिएगा। आज मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? अगर हम ये कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज यानी कि भाषा क्या है? किसी भी भाषा को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम भाषा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साउंड से। साउंड यानी ध्वनि, यानी आवाज़। जो हम बोलते हैं वो साउंड, जो आवाज़ बाहर आती है। अब इस साउंड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कौन सी चीज़ है जो साउंड को सांकेतिक रूप से हमारे सामने लाती है? वो हैं 26 लेटर्स। इंग्लिश में A to Z जो 26 लेटर्स लिखे गए हैं, और इन लेटर्स को हमने जो नाम दिया है वो नाम है अल्फ़ाबेट। अब ये अल्फ़ाबेट क्या है? इन अल्फ़ाबेट को दो हिस्सों में बांटा गया, जो उसका फर्स्ट पार्ट है वाउल। यहाँ ध्यान से देखो, ओ आता है। मैं अपने इस वीडियो के साथ साथ आपको सही प्रोनंसिएशन का भी नॉलेज दूंगी, उसका भी ज्ञान कराऊंगी। VOWEL हम देखते हैं, अगर हम ओ को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ओ नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अक्सर करते हैं लोग ओ, नॉट, ये गलत है। ओ का जो आवाज़ आती है ओ, जॉब, JOB, हम कभी जॉब नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? जॉब। HOT, हम होट नहीं कहते, क्या कहते हैं? हॉट। OWL, आउट। OPTION, ऑप्शन। बाउल, बाउल नहीं कहते हम, बाउल। तो इसी तरह से VO, हम इसको पढ़ेंगे वाउल, नॉट वॉवेल। अधिकतर लोग इसको वॉवेल पढ़ते हैं, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में AEIOU ये पांच वर्ड जो लेटर्स हैं, ये वाउल कहलाते हैं। और इसका दूसरा पार्ट है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट। आ की आवाज़ आएगी, ओ की नहीं। कॉन्सोनेंट्स क्या हैं? BCD। इन 5 लेटर्स को छोड़कर 26 लेटर्स में जितने भी लेटर्स बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये अल्फ़ाबेट्स जब लिखे जाते हैं तो हम वो क्या बनाते हैं? ये अल्फ़ाबेट्स जब लिखे और जोड़े जाते हैं तो वो वर्ड्स कहलाते हैं। और वर्ड्स क्या है? ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब है यहाँ पर ग्रुप, यानी कि एक लेटर्स का एक ऐसा समूह जो मीनिंगफुल है, जिसका कोई अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं पेन, एक अर्थ है। व्हाट इज पेन? ये मेरे हाथ में है, ये पेन है। अगर हम PEN इन लेटर्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, EPN कर दें, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह से 10 नंबर है, अगर हम 10 को ETN कर दें तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। इससे ये क्लियर होता है कि वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब ये वर्ड्स ही आगे चल के किसमें डिवाइड होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। बच्चों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? स्पीच यानी भाषा, यानी लैंग्वेज, यानी जो साउंड के जरिए बाहर आती है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। इसको मैंने अंडरलाइन यहाँ रेड किया है, ध्यान से देखिएगा। जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं, एडजेक्टिव नहीं होता, क्या होता है? एडजेक्टिव। डी जब भी कभी जे से पहले लिखा जाता है, हम उसको बीच में जब आता है तो वो ए और जे के बीच में डी साइलेंट रहता है, एडजेक्टिव। उसी तरह से वर्ब, अधिकतर लोग इसको वर्ब पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर आर क्या है? साइलेंट है। हमको बोलना चाहिए वर्ब, नॉट वर्ब। क्या होगा सही वर्ड? वर्ब।
उसके बाद है एडवर्ब नहीं, आर साइलेंट है यहाँ पर, क्या होना चाहिए एडवर्ब। प्रीपोजिशन, परपोजिशन नहीं, अधिकतर लोग बोलते हैं परपोजिशन, नॉट दिस दिस इज नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, होना चाहिए प्रीपोजिशन। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कंजंक्शन, यहाँ एन का साउंड आना चाहिए, जबकि अधिकतर लोग पढ़ते हैं इसको कंजक्शन, नॉट कंजक्शन, ये सही प्रोनाउंसिएशन है कंजंक्शन। और लास्ट आता है इंटरजेक्शन, यानी यहाँ जो आर है ये साइलेंट है, इसका उच्चारण में कोई काम नहीं है, होना चाहिए इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और अब मैं इनके बाद इस टॉपिक के बाद एक एक करके इस पर अपना ध्यान फोकस करूंगी। आप लोग मेरे वीडियोस को बराबर देखते रहिए, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले वीडियोस में आपको बहुत अच्छी चीज़ें प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड भी बताने वाली हूँ। थैंक यू।